दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक को किस तरह से कॉपी कर सकते हो ताकि आप अपने प्रोफाइल का लिंक को कॉपी करके किसी फ्रेंड या फिर किसी फैमिली मेंबर को आप किस तरह से शेयर कर सकते हो, तो डोंट वरी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस आपको एंड तक बने रहना है, बिकॉज आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक को कॉपी कर सकते हो। एंड साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपको टोटल दो तरीके बताऊंगा जिस तरीके से दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक को कॉपी कर सकते हो। बस ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस वीडियो में एंड तक बने रहना है। एंड वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे दोस्तों आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उसे दबा देना। तो अब चले करते हैं वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। दोस्तों तो सिंपली से आप लोग आ चुके मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन, तो चलिए आप दिखाता हूँ किस तरह से दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक को कॉपी कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना एंड लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने का दोस्तों कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल कर देगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, राइट के डाउन साइड में नीचे साइड में आपको आपका प्रोफाइल का आइकॉन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है एंड इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल के आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद सिंपली से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। एंड जैसे ही दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो भी पोस्ट है, जो भी फोटो वगैरह आपने अपलोड किया वो सिंपली से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली से आप अपने फोटो में, आप अपने अपलोड्स में सिंपली से कोई सा भी एक पिक को चूज कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सा भी एक अपलोड को मैंने चूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना दोस्तों, राइट के टॉप साइड में आपको थ्री डॉट्स के बटन देखने को मिल रहे हैं, सिंपली से दोस्तों आपको इस थ्री डॉट्स के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जस्ट देख पा रहे दोस्तों सेकंड नंबर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी लिंक, जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो आपका लिंक कॉपी हो चुका है। तो एक बात बता देता हूं दोस्तों, इस लिंक को अगर आप पेस्ट करते हो, इस लिंक को सर्च करते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, इस लिंक को मैं अभी यहां पे सर्च करके दिखा देता हूं। जैसे दोस्तों आप इस लिंक को सर्च करोगे तो यहां पे दिखाता हूं दोस्तों ओपन क्या होगा दोस्तों, इंस्टेंट दोस्तों आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन नहीं होगा, बस जस्ट आपका जो पोस्ट है वो ओपन होगा। एंड यहां से दोस्तों ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करके आप सिंपली से उसके अकाउंट पे आ सकते हो जिसका भी आप लिंक शेयर करो, चाहे आपका ही है तो आप सिंपली से इस तरह से आ सकते हो। बट दूसरा एक जो और तरीका बता रहा हूं उस पे सिंपली से दोस्तों आपका जो ये प्रोफाइल है इस पे ही डायरेक्ट ओपन होगा आपका लिंक। तो चलिए वो भी मैं आपको दूसरा स्टेप भी बता देता हूं। उसके लिए आपको क्या करना दोस्तों, फिर से आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को सिंपली से दोस्तों ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको करना क्या है, ओपन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको राइट के डाउन साइड में दोस्तों आपको प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, एडिट प्रोफाइल का आपके सामने एक बटन देखने को मिला है, सिंपली दोस्तों आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके नेम के जस्ट नीचे यूजर नेम देखने को मिला है, तो सिंपली से आपको अपना यूजर नेम को कॉपी कर लेना है दोस्तों यहाँ से। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम को सिंपली से कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ से बैक जाना है। एंड बैक जाने के बाद सिंपली से दोस्तों आपको गूगल को ओपन करना है, जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो गूगल को मैंने ओपन कर लिया। एंड गूगल को ओपन करने के बाद सिंपली से आपको दोस्तों यहां पे लिख देना instagram.com। instagram.com लगाने के बाद सिंपली से दोस्तों आपको सबसे पहले यहां पे एक स्लैश लगाना है। एंड स्लैश लगाने के बाद जो भी यूजर नेम आपने कॉपी किया अपने प्रोफाइल के पास से सिंपली से यहां पे आपको पेस्ट कर देना है। एंड जैसे ही आप पेस्ट कर देते हो सिंपली से आपको सर्च करना है एंड यहां से क्रोम को चूज करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इतना काम कर लेते हो दोस्तों आपके सामने आपका जो प्रोफाइल है वो आ जाएगा। तो लिंक कॉपी करने के लिए आपको करना क्या दोस्तों, राइट के टॉप साइड में थ्री डॉटेड बटन आपको फिर से देखने को मिला है, सिंपली से इस पर क्लिक करो एंड नीचे आपको जस्ट देखने को मिला है शेयर, तो शेयर पे क्लिक करना। एंड नीचे दोस्तों आपको एक बटन और दिख रहा है कॉपी लिंक, सिंपली जैसे ही आप कॉपी लिंक करोगे आपका दोस्तों जो लिंक है, आपका जो प्रोफाइल का लिंक है वो रेडी हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वो लिंक मैंने कॉपी कर लिया है। एंड कॉपी करके जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड क्रोम को चूज करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों आपका जो भी प्रोफाइल है वो इंस्टेंट खुल के आ चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक को कॉपी कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आज के इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक को कॉपी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी मदद की होगी, इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज दोस्तों इस चैनल पे आपको इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट हमेशा मिलते रहती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स्ट।